आज है बुद्ध पूर्णिमा। आज एक दिन पर आपको दो ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, यानी कि आज हम दो चीज सीखने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। जो लोग लास्ट वेबिनार में नहीं थे उन सभी लोगों के लिए हम बता दें कि इस बार जो हम सीखने वाले हैं वो है इटालियन फोक्शर्स। नाम तो सभी ने सुना होगा, एक वर्ड है जो कि सब लोगों के मतलब कहते हैं ना जहन में फेमस। कौन सा वर्ड है इटालियन फोक्शर जो आप सभी लोग चैंट करते हो, बहुत सारे रील्स देखी है, कौन सा वर्ड है वो? कॉन्वालेक्सा, राइट। तो आज हम इटालियन फोक्शर तो सीखेंगे, उसके साथ साथ इंग्लिश स्विच वर्ड्स भी सीखेंगे। अब ये इंग्लिश स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच मतलब कि चेंज योर एनर्जी, स्विच मतलब कि कोई भी चीज को शिफ्ट करना। हम जब भी लाइट को ऑन ऑफ करते हैं अंधेरा हो जाता है फिर उजाला आता है, ठीक उसी तरह अगर हम किसी वर्ड को एनर्जाइज करके फिर उसे यूज करते हैं तो हमारी लाइफ में भी ना ड्रास्टिंग चेंज आते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, बताया था कि अगर कोई आपके घर पर आता है और आप उसे कहते हैं गेट आउट, तो क्या वो बंदा रहेगा या निकल जाएगा? बट ऑब्वियसली चला जाएगा, क्यों? क्योंकि वो वर्ड ने काम किया। बट अगर कोई आपके घर पर आता है आप उसे प्यार से कहते हो जय श्री कृष्ण, उसे अच्छा लगेगा, राइट? तो उसी तरह हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो यूनिवर्सली कनेक्ट होते हैं। क्यों? एफएम पर पर्टिकुलर अगर आप नंबर्स कनेक्ट करते हो 92.7, 94.3, तो वो एफएम पर्टिकुलर वही नंबर के सॉन्ग आपको प्ले करके देता है जहां पर वो रेडियो स्टेशन स्टेशन कनेक्ट होता है। ठीक उसी तरह यूनिवर्स की ना पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसे कि ओम जो शब्द है वो यूनिवर्स में ध्वनि है। पहला जो शब्द सुनाई दिया था यूनिवर्स में वो था ओम। तो इसी के रिगार्डिंग हम बहुत सारी आज इंग्लिश स्विच वर्ड सीखने वाले। ये इंग्लिश स्विच वर्ड क्या होते हैं कि अगर आपको कोई आपको रिचुअल्स करना है तो हमारे सनातन धर्म में ना एक लिमिटेशन आ जाती है कि हर कोई नहीं कर पाता, स्पेशली लेडी उन दिनों में नहीं कर पाते। बट इंग्लिश स्पीच वर्ड की ना वो लिमिटेशन नहीं है, कैसे चैंटिंग करना है, कितनी बार चैंट करना है, वो सारी चीजें ना दीप्ति मैम आज हमें सिखाने वाले हैं। और ये क्लास ना अमेजिंग रहने वाली है। तो जितने भी लोग अपने कैमरा ऑन रखेंगे उनके कोई भी दो लकी पर्सन के लास्ट में क्वेश्चन लिए जाएंगे। मैम वेलकम। थैंक यू दीप्ति मैम मैम। हमारे वास्तु एक्सपर्ट है, बहुत सारे रिचुअल्स के एक्सपर्ट है। जैसे कि हमारी कल लास्ट टाइम जो वैदिक स्विच वर्ड्स की क्लास थी, अगर हो कोई अगर होंगे यहाँ पर स्टूडेंट जो अपना फीडबैक देना चाहेंगे तो हम उनसे भी कनेक्ट करेंगे। मैम स्टार्ट करें। यस मैम, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। तो हमेशा की तरह आज भी सीखेंगे बहुत सारी चीजें। जो फैमिली मेंबर्स नए जुड़े हैं उनको एक बार एक जस्ट बैकग्राउंड दे देंगे कि ये स्विच वर्ड्स जब जो हम कहते हैं फोक्शार्स हो या स्विच वर्ड्स हो, ये बेसिकली क्या है? ये है मंत्रा, जो हमारे बीज मंत्र होते हैं, जिस हमारे तरीके हिंदू से धर्म में मंत्रा होते कंट्रीज हैं। में सिविलियंस रिबेलियंस कंधे पर मोस्ट ये वो सारे उसी उसी तरीके के मंत्रा हैं, सिर्फ ये भाषा बदल जाती है। ठीक है, इटालियन फोक्शार्स जो होते हैं ये इटली के लीस नामक जगह पे सिसिलियन कल्चर होता है। ठीक है, उस जमात उस कबीले के वहां पे हीलिंग में यूज होते थे फोक्शार्स, उन्हीं को यहाँ इन्वेंट किया गया है। उनका यहाँ पे इम्पोर्ट कह सकते हैं, इंडिया में भारत में हमने उसको इम्पोर्ट किया है इटालियन फोक्शार्स के नाम से। तो जैसे हमारे मंत्र काम करेंगे वैसे ही ये फोक्शार्स काम करेंगे। और इंग्लिश स्विच वर्ड्स जो होते हैं ये पावरफुल वर्ड्स होते हैं जो आपको आपकी एनर्जीज को यूनिवर्स से कनेक्ट करके आपकी विशेस मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे, राइट? तो क्यों स्विच वर्ड? क्योंकि देखो आप कहीं बाहर से आते हो, जैसे सोचिए घर में अंधेरा है, आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? फैमिली मेंबर्स इंटरेक्टिव करेंगे। रहेंगे, तो प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिए अपने आंसर्स क्वेश्चंस पोस्ट करने के लिए। हम आपके क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे और आप इंटरैक्टिव रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी भी एनर्जीज बूस्ट होती रहेंगी। ठीक है, सो आप जब घर घर पे आते हो कहीं बाहर से शाम के समय में, आपका हाथ सबसे पहले जाता है लाइट के स्विच पे। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे वाली सिचुएशन होती है,
और आपको अपने लाइफ में उजाला करना होता है, तो एक स्विच से आप सिचुएशन चेंज कर रहे हो, बराबर। इसी प्रकार ये जो स्विच वर्ड्स है, फुक्षार्स है, मंत्रास है, इनकी चैंटिंग से इसको जब हम हमारे ऑरा में अलाइन कर लेते हैं, यही काम करते हैं आपको यूनिवर्स तक आपकी मैनिफेस्टेशन और इच्छाएं पहुंचाने में, ठीक है। विश मैनिफेस्टेशन या फिर आप जो चाहते हो वो होना, ये क्या होता है, आपकी एनर्जीज यूनिवर्स की एनर्जीज से अलाइन होती है और आपको मनोवांछित मिलता है। अभी सोचो कोई बच्चा है, ठीक है, उसको पानी चाहिए जो खुद नहीं ले पा रहा है। जब तक वो अपने पेरेंट को बताएगा नहीं कि मुझे पानी चाहिए, पेरेंट तक वो चीज पहुंचती नहीं है तो पेरेंट दे नहीं पाएंगे। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड हमें हमेशा देने के लिए सतर्क रहता है, लेकिन हमें किस पॉइंट पे क्या चाहिए ये ब्रह्मांड तक पहुंचाना जिम्मेदारी हमारी होती है। तो इसी प्रकार इंटेंशन सेट करके जो चैंटिंग करनी होती है फोक्शार्स की, स्विच वर्ड्स की, ये कैसी करनी है ये हम अभी सीखेंगे और लाइफ को इजी बनाएंगे, ठीक है। सभी की लाइफ हर मोमेंट पे इजी नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो जो अप्स एंड डाउन्स है वो डाउन से भी उभरने में हमको शक्ति मिले, उस सिचुएशन को ट्विस्ट करने में हमें आसानी से मार्ग मिले, ये पावर है स्विच वर्ड्स एंड फोक्शार्स की, ठीक है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, मैम स्क्रीन दिख जाएगी तो बताइए, स्टार्ट करते हैं हम। यस मैम दिख रही है। तो जैसे मैम ने बताया, हम सीखने जा रहे हैं इटालियन फोक शायर्स और इंग्लिश स्विच वर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले इटालियन फोक शायर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया इटली में रोमन और ग्रीक कल्चर के जो लीस नामक जगह पे सिसिलियन कल्चर है, वहां के ये वेद मंत्रा है, उस जगह के हैं। आप अगर राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो तो ये इटालियन देवता है, ठीक है, ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ये जो देवता होते हैं वो होते हैं। इटालियन फोकचार्स जब चैंट करना होता है तो हम ईश्वरीय शक्ति से हमारी प्रार्थना करेंगे, आपकी जो इंटेंशन है वो सेट करोगे, प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस में करेंगे, ठीक है। इटालियन फोकचार्स जो होते हैं वो आपको 51 टाइम्स चैंट करने होते हैं, ठीक है, दिन में 2 से 3 बार, मैं सजेस्ट करूंगी 3 बार कीजिए। इससे क्या होता है, वो क्यों करने हैं 51 टाइम्स उसका भी मैं लॉजिक बताती हूँ आपको। इसको आप वाटर थेरेपी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप बॉडी पार्ट्स पे लिख सकते हो, एनर्जी सर्कल्स बना सकते हो, वाटर बॉटल पे लिख के रख सकते हो, अगर प्रॉक्सी करनी है तो आप इसका प्रयोग फोटोग्राफ्स पे भी कर सकते हो डिस्टेंस हीलिंग के लिए, ठीक है। इसी प्रकार जो स्विच वर्ड्स होते हैं ये भी मॉडर्न मंत्रास होते हैं, जो सिंपल शब्दों का, इंग्लिश शब्दों का जोड़ बना के किए जाते हैं, ठीक है। इन्हें भी कैसे यूज करना है, इनको कम से कम 28 बार चैंट करना है। इटालियन फोकशार्स होंगे 51 बार, इंग्लिश स्विच वर्ड्स होंगे कम से कम 28 बार। तो एक टाइम पे जब आप चैंट करोगे, आप चैंट करोगे 51 टाइम्स इटालियन फोकशार्स और 28 टाइम्स इंग्लिश स्विच वर्ड्स, ठीक है। बाकी दोनों का सरीका सेम है। आप अभी जैसे हमारे सनातन धर्म में बंधन होता है कि आते जाते नहीं कर सकते हो, या किसी सिचुएशंस में नहीं कर सकते हो, या फिर आपने अगर नॉनवेज खा लिया तो आप नहीं कर पाओगे, पीरियड्स में नहीं कर पाएंगे लेडीज, तो ऐसा इसमें कोई भी बंधन नहीं है, ठीक है। इन्हें आप आते जाते, चलते फिरते, घूमते, सोते, लेट कर कभी भी कर सकते हैं और ये उतने ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगे आपको, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा जो स्विच वर्ड्स, इंग्लिश स्विच वर्ड्स की हम जब बात करते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा काउंट, डिवाइन, ऑर्डर, रीच जैसे वर्ड सुने होंगे आपने, ठीक है। जैसे मैम ने बताया कॉन्वलेक्सा, कॉन्वलेक्सा तो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ आप में से 80% लोगों को इसका रिजल्ट नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि आपने जो सोशल मीडिया पे सुना है वो सही ना सही, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होके आपने वो सही उच्चारण नहीं किया, इसीलिए शायद उसका आपको इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन जब ये चीज आप सही उच्चारण के साथ करते हो, और हम आपको क्लास में सिखाएंगे कि उसका उच्चारण कैसे करना है, क्या प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, उस हिसाब से जब आप करोगे तो ये आपको 110% रिजल्ट देगा, ठीक है। कॉन्वलेक्सा हो गया, प्रोसोपियर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार काउंट, डिवाइन, ऑर्डर, रीच है, जैसे काउंट होता है पैसे के लिए होगा, डिवाइन यूज करेंगे तो आप कोई मिराकल ईश्वरीय शक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हो,
ऑर्डर मतलब कोई अगर उथल पुथल मची हुई है तो उसको एक सही सलीके से आपको सॉर्ट करनी है। रीच यूज करते हैं जब हमें कुछ ढूंढना है, तो चीज हो सकती है, आत्मिक ज्ञान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी मैं आप लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स, ये जो चीजें हैं भाषा अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कुछ ईविल है। ठीक है, ना ही तो ये ब्लैक मैजिक है, ना ही ये विचक्राफ्ट है, ये यस जैसे हमारे मंत्र होते हैं ये वैसे ही है। और बिफोर वी गेट इन टू क्लासेस, मैं आपको एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, सबकॉन्शियस लेवल पे ये काम करते हैं, तो कर्मा पे बड़ा ध्यान दीजिए। जो अगर आप किसी अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, यूनिवर्स आपको अच्छी चीज लौटाएगी, लेकिन इंटेंशन अगर हमारी सही नहीं होती तो वो इंटेंशन घूम फिर के हमारे पास इन सॉर्ट ऑफ कर्मा आती है। ये एक जस्ट मुझे हाईलाइट करना था सभी को। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस मैम। तो ओके, मैम इससे हम ये भी तो हो सकता है ना कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या तो फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्विच वर्ड बनाना भी सीख जाए। जी मैम, जी मैम, इंग्लिश स्विच वर्ड जब हम बनाएंगे तो हम उसको कैसे फ्रेम, ये जो आप देख रहे हो काउंट डिवाइन ऑर्डर, ये वर्ड्स हो गए, अब इनको स्विच फ्रेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम सीखेंगे। ठीक ठीक है, है, दूसरी एक और चीज हाईलाइट कर रही हूँ मैं, कि आप में आपके जहन में सवाल आ, आपको सभी को सवाल आ रहे होंगे, व्हाई 51 टाइम्स, इटालियन फोक चार 51 बार क्यों, और इंग्लिश स्विच वर्ड 28 बार क्यों। जब हम इंग्लिश स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज कहते हैं ना, वो थोड़ा लंबा होता है इटालियन फोक चार के हिसाब से। ठीक है, आप जब ये चीजें चैंट करते हो तो इसमें आपके कम से कम 3 से 3.5 मिनट हर एक में जाते हैं, तो ये 3 से 3.5 मिनट इंटेंशन के साथ दिल से चैंट करने का रीजन क्या है? जब आप चैंटिंग करते हो, ठीक है, जब आप जप करते हो इन चीजों का, आपका जो आज्ञा चक्र है, यहाँ हमारा पीनल ग्लैंड होता है, ठीक है, ब्रेन के यहाँ पे पीनल ग्लैंड होता है, जब हम ये चैंटिंग करते हैं हमारी सबकॉन्शियस माइंड के वाइब्रेशंस एक्टिवेट होते हैं, पीनल ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता है जो आपके सहस्र चक्र के पास जो ड्यूरा मैटर होता है, ये ब्रेन के पार्ट्स है, थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसे समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं जस्ट एक प्रोसेस समझा रही हूँ। तो सहस्र चक्र के पास जो ड्यूरा मैटर होता है उसे एक्टिवेट करता है, और इस वजह से हमारा सहस्र चक्र खुल के यूनिवर्स के साथ सहस्र चक्र सीधा कनेक्ट हो जाता है। जो लोग मेडिटेशन में या अकल्ट में या हीलिंग में होंगे उनको ये चीज पता रहेगी कि आपका जब सहस्र चक्र या फिर क्राउन चक्र जिसे हम कहते हैं, यहाँ ब्रेन के ऊपर वाली साइड पे होता है, तो उससे आपको यूनिवर्सल कनेक्शंस बनाने में बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेने की रिसेप्टिविटी भी मिलती है। ठीक है, आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? यस मैम। तो इसी के साथ हम सभी कहेंगे कि यूनिवर्स को हम मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम ओपन हैं, हर एक यूनिवर्स जो हमारे लिए अच्छा दे रहे हैं, हिंदी वाले तो हम अभी ये जो सीखने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो अपनी रिसेप्टिविटी खोलेंगे, हम यूनिवर्स से जो भी हमें मिल रहा है पॉजिटिव, उसको अबंडेंस में लेने के लिए अपने मन को, अपने ऑरा को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आप रिसेप्टिव, ओपन एंड एक्सेप्टेबल हो जाते हो, तो यूनिवर्स बहुत सही, आपको बहुत सही। बेटर चीजें देने लगती है। ठीक है, चलिए, तो लास्ट टाइम हमने सीखे थे दो, एक बार क्या चैंटिंग करना है उसका भी मैं कब बता रही हूँ, आपका स्विच ऑन कब होगा, आप इटालियन फोक चार्स 51 टाइम चैंट करोगे, इंग्लिश स्विच वर्ड्स या फ्रेजेस 28 बार चैंट करोगे एट वन गो। ठीक है, एट वन गो, ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है, आते जाते चलते फिरते कोई से भी प्रकार कीजिए। ठीक है, तो एक पहला देख लेते हैं हम प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का, इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा, दिस इज प्रोबेबली द वन एंड ओनली यू नो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों के, दोनों में समझाया जाएगा, दोनों के नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए होता है,
लुई तकलिया, लुई तकलिया। अब आप अगर मेरे बोलने का लहजा उस पे ध्यान दे रहे हो तो टी है लेकिन हम ट नहीं बोलेंगे, टी है लेकिन ट नहीं बोलेंगे। इटालियन फोक शायर्स में बहुत कम जगह पे टी को ट बनते हैं, तो ये कहाँ ट बनेगा कहाँ ट बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चैंट करेंगे लुई तेकलिया लुई तेकलिया लुई तेकलिया, ये आपको मनी के स्रोत दिलवाएगा, आपके अपॉर्चुनिटी जो मनी वाली अपॉर्चुनिटी रहती है वो सोर्सेस आपके अबंडेंट ओपन करेगा। यस एक्चुअली ब्यूटीफुल बात वही होती है कि देखो हम सीखते तो बहुत सारी जगहों से बहुत कुछ सीखते हैं, बट जो सही तरीका होता है, जो क्वालिटी मेंटेन करना होता है ना, वो अगर आपने जान लिया ना, तो ही आप आपकी प्रॉब्लम से आउटकम कर पाएंगे। ओके अगर आप चैंट कर रहे हो बट आपको सही तरीका नहीं पता, सही प्रोनाउंस नहीं पता, एक्चुअली उसका मेथड, उसे चार्ज कैसे करना, एनर्जाइज कैसे करना, वो नहीं पता, तो आप उसका रिजल्ट नहीं ले पाते। और क्या बोलते हो, ये सारी चीजें वर्क नहीं करती, एवरीथिंग इज वर्किंग। ओके पर आपको सही तरीका आना चाहिए, राइट? कॉर्नवाल लाइफ से बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, पर किसी किसी को इसका रिजल्ट मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा। उसका रीजन ही यही था कि बहुत कम लोगों को इसका प्रॉपर मेथड पता था। जो भी आप चीजें ऑनलाइन सीखते हो, यानी कि वेबिनार्स या सॉरी यूट्यूब पर हो गया या शॉर्ट टर्म्स में होगा, जैसे कि आज हम लोग वेबिनार में आपके सामने आए, तो हमारे पास एक लिमिट होती है कि हमारे पास इतना ही टाइम है, इतने टाइम में हम चाहे मतलब कहते हैं ना, बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं पर हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है, राइट? तो जब आप यूट्यूब पर या शॉर्ट वीडियोस से या वेबिनार्स में सीखते हो ना, तो वो होता तो बहुत प्रॉपर है पर कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता, राइट? इसीलिए उसका सही तरीका सीखकर उसे चैंट करना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मैम अभी फैमिली मेंबर्स को बता देते हैं कि कॉर्नवा अलेक्सा क्यों नहीं काम करता, क्योंकि वो कॉर्नवा अलेक्सा नहीं है, वो कॉर्नवल अलेक्सा है, वर्ब कॉर्नवालेक्सा कॉर्नवल अलेक्सा। बोलने का तरीका, क्योंकि ये इटालियन फोक शायर्स है, तो वो जो जो शब्द, जैसे हम श्री को श्री ही बोलेंगे, श्री को श्री बोलोगे तो वो थोड़ा सा हिल जाएगा, है ना, वाइब्रेशंस उसकी चेंज हो जाती है। तो आपको बोलना है कॉन्वलेक्सा, नॉट कॉन्वालेक्सा, करेक्ट। कॉन्वलेक्सा। बड़े मैम आगे यस मैम। तो इसी प्रकार अबंडेंस के लिए हमने क्या सीखा, लुई तेकलिया लुई तेकलिया लुई तेकलिया लुई तेकलिया। ये तो हुआ फोक शायर। आप इसके लिए इंग्लिश स्विच वर्ड क्या रहेगा, हम यहाँ पे फ्रेज देख रहे हैं स्विच वर्ड से मिलके जो बना हुआ है, मस्टर्ड फाइंड काउंट डिवाइन नाउ ऑन, मस्टर्ड फाइंड काउंट डिवाइन नाउ ऑन। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, आपके लिए सेम चीज हिंदी में मिल जाएगी, सिर्फ बोलना ही तो है। चलो बोलिए मेरे साथ, जिनको लगता है इंग्लिश में बात करना मुश्किल है, हिंदी पढ़ के बोलेंगे हम, मस्टर्ड फाइन एक काउंट डिवाइन नाउ ऑन। मिनट, मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, हम एक सब साथ में बोलेंगे। ये प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस सारे फैमिली मेंबर्स को मिलना चाहिए। यस मस्टर्ड फाइन काउंट, मस्टर्ड फाइन काउंट, फाइन नाउ ऑन, फाइन काउंट, फाइन नाउ ऑन, मस्टर्ड फाइन काउंट, फाइन नाउ ऑन, मस्टर्ड फाइन काउंट, डिवाइन नाउ ऑन, मस्टर्ड फाइन काउंट, फाइन नाउ ऑन। परफेक्ट। ओके परफेक्ट, सभी लोगों ने प्रॉपरली प्रोनाउंस किया। बिल्कुल तो क्या ये डिफिकल्ट है फैमिली मेंबर्स? नहीं, ठीक है, एकदम इजी लगता है। तो अब प्रॉस्पेरिटी तो आ गई, अबंडेंस आ गया, लेकिन कभी कभी होता है ना कि पैसे तो हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर किसी को दे दिया एक बार तो वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। चलो कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो ये फेस करते हैं स्टक मनी वाला प्रॉब्लम? 99% लेना तो बहुत इजी है, वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
नेक्स्ट एक बार हम सीख लेते हैं कि स्टक मनी अगर है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिकवर करना है स्टक मनी, अटका हुआ पैसा वापस पाने के लिए। इटालियन फोकचार रहेगा तक्सल मेलेस्मा। इंटेंशन सेट करनी है कि जिस भी एक्स वाई जी पर्सन को मैंने पैसे दिए थे, जो भी अमाउंट है वो भी आप इंटेंट में लिखिए, एक्स वाई जी को मैंने जो 50,000 रुपए दिए हैं वो सामने से आके मुझे देकर चले गए हैं। प्रेजेंट पॉजिटिव, मैं रिपीट कर रही हूँ आपको, कि फील करना है ये चैंट करते हुए कि आपके पैसे वापस मिलने पे आपको कितना बढ़िया लगेगा, और आप चैंट करेंगे तक्सल मेलेस्मा। प्रोनाउंसिएशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करिए तक्सल मेलेस्मा। टी आएगा, ट नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है, वेरी नाइस। मल्लिका मैम आप जो पूछ रहे हो वो भी सारे सिखाए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अटका हुआ पैसा अगर हमें रिकवर करना है, ठीक है, तो उसके लिए स्विच फ्रेज क्या रहेगा, रिस्टोर मैजिक काउंट वुल्फ। अब आपको सवाल रहेगा कि क्या हम दोनों कर सकते हैं? हाँ बेशक, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आप जितनी मर्जी करो, इसमें सिद्ध करने वाली चीज नहीं होती। कैसे रहता है, आपकी जो चैंटिंग रहती है उसका एक तरीका आपको बताया जाएगा जिससे ये आपके ऑरा में जेल हो जाएगा, और जब ये ऑरा में जेल हो जाता है तब इसके रिजल्ट आपको फास्टर आते हैं, ठीक है। तो स्टक मनी रिकवर करने के लिए आप चैंट करेंगे तक्सल मेलेस्मा 51 टाइम्स और रिस्टोर मैजिक काउंट वुल्फ 28 टाइम्स और मोर, 3 बार कम से कम दिन में। इंटेंशन देना है कि जो जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है वो व्यक्ति आपको आकर पैसा देकर चले गए हैं, ठीक है, क्लियर है फैमिली मेंबर्स? क्या ये डिफिकल्ट है सीखना, क्या इसे सीखना डिफिकल्ट लग रहा है आपको? आप में से कितने हैं जो चाह रहे हैं कि ये ऐसे जादुई चीजें, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओ? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इट्स इंटरेस्टिंग। यस, अच्छा ये बताइए कितने लोग हैं जो इस जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ऐसी चीजें हम और भी सीखें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सके, और साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस भी होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में फंसे होते हैं, हम उनको हेल्प कर पाए, राइट? तो ऐसे जो भी पर्सन है जो चाहते हैं दिल से कि हमारे पास तो सारी चीजें हैं बट हम हेल्प भी करना चाहते हैं और हम खुद भी सीखना चाहते हैं, ओके। सुषमा जी ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है मैम, चाइल्ड के एजुकेशन, यस चाइल्ड के एजुकेशन के लिए भी आपको मिलेगा मैम। आप इसके बाद कौन सा हमें सिखाने वाले हैं इटालियन फंक्शंस? इसके बाद एक रिलेशनशिप स्वीटनिंग वाला करते हैं। अच्छा ओके ओके, तो फैमिली मेंबर्स इसके बाद हम रिलेशनशिप वाला करेंगे, बट उससे पहले ये बता दीजिए कि कितने लोग हैं जो इस विद्या को दिल से सीखना चाहते हैं, फटाफट से इमोजीज वाला हैंड रेज कर दीजिए। अशोक सर है, सोनू मैम है, नेहा जी है, भावेश्वर है, सुषमा मैम ने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर दिया है, और कितने लोग है, भावना जी है, भावना जी भी आ गए हैं ग्रुप में, ओके। फैमिली मेंबर्स जितने भी लोगों ने एनरोल किया था उन सभी लोगों को एनर्जी एक वो सर्कल मिल चुका है, राइट? ओके मैम बता दीजिए बहुत सारे लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि हम क्या सीखेंगे इसमें, ठीक है, हम सीखेंगे 90+ इटालियन फोकचार्स। उसी के साथ कुछ इटालियन फोकचार्स के साथ आपको मैं सिंपल कुछ यू नो टिप्स एंड रिचुअल्स दूंगी, जो कोर्स का पार्ट नहीं है बट
इसके साथ मैंने देखा हुआ है, जब मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया है या मैंने यूज किया है, वो बहुत ज्यादा कारगर काम करते हैं, तो वो मिलेंगे आपको। और 100+ स्विच वर्ड्स और स्विच फ्रेजेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट। इसी के साथ, क्योंकि ये एकलव्य प्लेटफॉर्म है, एकलव्य प्लेटफॉर्म पे कभी भी जो बोला जाता है उससे भर भर के ही मिलता है, तो आपको एज अ बोनस मिलेगा 33 बिजनेस ग्रोथ रेमेडीज की पीडीएफ मिलेगी, ग्रेपोई हीलिंग कोर्स मिलेंगे आपको जो इफेक्टिवली काम करते हैं, हमारे जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और आपको मिलेगी मेडिकल ई वास्तु बुक, राइट। अब ये तीन चीजों में क्या रहेगा एक बार बता देते हैं। 33 बिजनेस ग्रोथ रेमेडीज मतलब कि जो आपके बिजनेस को इनहांस करने के लिए आपको हेल्पफुल होती है। हम हर अक्सर ना जहां पर भी बिजनेस करते हैं या हमारी शॉप होती है ना, तब कभी ऐसा होता है क्लाइंट्स नहीं आते, कभी समझ में नहीं आता कि हम अभी आगे क्या किया जाए। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर आपको रेमेडीज बताई जाएंगे। अगर ये 33 में से आपने सिर्फ तीन भी कर लेना, तो आपको मैजिकल रिजल्ट्स उसके उसके देखना शुरू हो जाएंगे। ये 33 में से आप आपके नियर एंड डियर वंस को भी हेल्प कर सकते हो। ई मेडिकल वास्तु बुक की बात करें तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने घर में अपनी मेडिसिन कहाँ पर रखनी है, अपनी छोटी छोटी चीजों को कहाँ पर प्लेसमेंट करना है। हम कहीं ना गलती कर देते, तो ये सारी चीजें से ना आप वास्तु बुक से सीख पाओगे कि आपकी छोटी छोटी चीजों का आपको कहाँ पर प्लेसमेंट करना चाहिए। ओके मैम, स्क्रीन चली गई। तो ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, अगर सवाल रहेगा आप सभी को, कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से। और आप में से कितने लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे? टाइमिंग रहेगा 9 o'clock। 3999 वर्थ है इतनी सारी चीजों के लिए? बहुत ही कम है ना मैम? यस। कितने लोग हैं जो और डिस्काउंट चाहते हैं, दिल मांगे मोर? यस मैम। ये मैम तो डिस्काउंट पे डिस्काउंट देने में बिलीव करते हैं, सो यस। और आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो 1999, ठीक है, इतना डिस्काउंट काफी है। यस, बट आज है बुद्ध पूर्णिमा तो एक और डिस्काउंट आप लोगों के लिए बनता है। ओके, तो बुद्ध पूर्णिमा स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। दिस कॉम्बो कोर्स जो बाय वन गेट वन फ्री होगा आपको, इटालियन फोक शायर्स के साथ इंग्लिश स्विच वर्ड्स मिलेंगे। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर 999। राइट, राइट। सो बेसिकली मैजिक कब होता है? मैजिक तब होता है जब इंटेंशन के साथ एक्शन जुड़ जाती है, राइट। इंटेंशन तो हमारी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन उसके साथ एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। तो कितने एक्शन टेकर्स है? उन सभी लोगों के लिए और एक आपके लिए स्पेशल अमेजिंग ऑफर्स है। मैम डिक्लेयर कर दी वाली भी ऑफर मैम, स्पॉट बुकिंग ऑफर। आप कितना देते हो, कितना देते हो मैम? यस मैम, आज बुद्ध पूर्णिमा है तो स्पॉट बुकिंग ऑफर हम लोगों ने वापस से ये इंक्रीज कर दिया, एड ऑन कर दिया है। तो जितने भी लोग आज स्पॉट बुकिंग करेंगे उन सभी लोगों को टेस्ट एंड ट्राइड एनर्जी सर्कल पेड ग्रुप में मिल जाएगा, राइट। और ये ऑफर सिर्फ आज रात को 11:11 तक ही चलेगी। यस, तो अगर 11 बजे के 11:11 के बाद पेमेंट होता है तो ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। वी आर सॉरी फॉर दैट। ओके, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्शन ट्रेकर्स जो अपनी लाइफ मैजिकल बनाना चाह रहे हैं, अपनी, अपने, अपनों की। देखिए, हम जब होटल में जाते हैं ना एक सिंपल डिनर के लिए, तो दो लोगों का भी 999 से, दो लोगों का बिल भी, अगर सिर्फ दो लोग ही जाएंगे, दो लोगों का बिल भी 999 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लाइफ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। 100%। तो एक्शन टेकर्स आपके लिए
पेटीएम और जीपे नंबर यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। पेमेंट करने के बाद सेम नंबर पे प्लीज अपने स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन नंबर्स शेयर हो जाए, फटाफट ग्रुप में ऐड कर पाए। राइट, अंकिता जी पूछ रहे हैं एनर्जी सर्कल कैसे यूज करना है, ये भी आप सिखाएंगे हाउ टू यूज एनर्जी सर्कल्स। ओके, क्लास में बताया जाएगा। यस, आपको सारी चीजें ना क्लास में बताई जाएगी, सो डोंट वरी। क्रेडिट कार्ड नॉट पॉसिबल, गूगल पे एंड पेटीएम ही इसी नंबर पर वैलिड है। ठीक है मैम, आप ग्रुप में ये शेयर कर देंगे पेमेंट डिटेल्स, तो हम कोर्स कंटिन्यू करें। यस। ओके, सो एक्शन टेकर, आज सभी लोगों के लिए ऑफर वापस से हम लोगों ने एड ऑन कर दिया है। जितने भी लोग एक्शन टेकर होंगे 11/11 से पहले ज्वाइन करेंगे उनको 20, मतलब कि आपको बाय वन गेट वन नहीं, बाय वन गेट टू फ्री मिल रहा है। ओके, आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा? रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे 6 मंथ के लिए, पीडीएफ मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे फोटोग्राफ्स के साथ, ये सारी चीजें तो आपको मिलनी ही वाली है। ओके, तो जितने भी लोग चाहते हैं कि इस जर्नी को आगे बढ़ाया जाए इतनी कम प्राइस में ना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बिकॉज वी मेंटेन अ क्वालिटी लर्निंग। ओके, ये सुनो मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, यू बोथ आर सो गुड ना, नो वर्ड्स टू टेल यू, कितना भी ज्वाइन करो खजाना ही मिलता रहता है हर चीज में। थैंक यू सो मच मैम, वन ऑफ एक्लव योर ग्रुप वेरी मच, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड बोथ। मैम आप वैदिक में थे ना? हाँ थी ना मैम। मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ मैम, मैं मींस मेरे क्लाइंट्स लोग को बहुत देती हूँ। एक मैंने सबसे ज्यादा यूज करती हूँ वो डॉक्टर वाला अश्विना, दैट इज तो अमेजिंग मैम, मीन्स जिसको भी दिया है ना, ऑल सल्यूट टू मी फॉर दिस, ऑल ऑल एंड मैम रियली, एंड जीबू सिंबल्स मैम, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, हाँ मैम इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, प्रॉस्पेरिटी वाला तो बहुत वर्क करता है मैम, बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यस बीना मैम, अब मेरे ख्याल से सोनू मैम ने इतना अच्छा बोला है कि भर भर के आप देते हो, तो यही मेरी फीलिंग है मैम, इतने क्लैरिटी से पढ़ाते हो, इतने पेशेंस से पढ़ाते हो। हम ग्रुप में आपको कितना परेशान करते हैं सब लोग कि मैम इसके लिए बता, जबकि वो पीडीएफ है ऑलरेडी, पर लोग अपना टाइम वहां पे खर्च ना करके और सीधा आपसे मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और आप इतना पेशेंस के साथ उनके आंसर करते हो मैम, सैल्यूट, रियली सैल्यूट, ग्रेटिट्यूड मैम, तो थैंक यू सो मच मैम। मैं तो यही कहूँ मैम, मैं किसी कारणवश ये वाली क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, अदरवाइज मैं पक्का ज्वाइन करती हूँ, लेकिन अगली बारी पक्का करूंगी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बट आप लोगों से मिलके ना मेरा दिन बन जाता है सचमुच, आप दोनों को देख करके ही। थैंक यू मैम, तो मेरा मेरा मैम दिल से मैम आप दोनों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार, एंड आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो मैम। लगता है हम सब एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है, yes. ऐसा लगता है। नहीं, कहते हैं कि एक छोटे बच्चे से भी कोई चीज अगर सीखने को मिलती है तो जरूर सीखनी चाहिए। yes, ma'am, yes. तो यही मेरी लाइफ का एक फंडा है कि एवरी डे आई शुड लर्न समथिंग न्यू टिल माय लास्ट ब्रेथ। यस मैम, यस, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगता है मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, और बहुत अच्छे तरीके से दीप्ति मैम समझा के पढ़ाती हैं, मैं तो गुरु जो होते हैं वो पढ़ाते ही हैं मैम तो बहुत अच्छा लगता है मैम आप लोगों की क्लास को अटेंड करके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो फैमिली मेंबर्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सिखा ही नहीं जाता, एक फैमिली जैसा बन जाता है। अगर आप कहीं पर भी स्टक होते हो तो आपको एटलीस्ट कोई ना कोई तो होता है रिस्पॉन्स करने के लिए, राइट? ऐसा नहीं होता कि आप मेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको मैसेज छोड़ना पड़ेगा, ईमेल आएगा, नहीं। हाँ, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज होती है हम यहाँ पर होते हैं आपसे जुड़ने के लिए। ओके,
तो जितने भी लोग आज ज्वाइन करेंगे उन सभी लोगों को एनर्जी सर्कल मिलेंगे और क्लास में सिखाया जाएगा वो एनर्जी सर्कल को कैसे यूज करना है। और तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम और भी चीजें सीखेंगे और मिलेंगे। कल से पेड क्लास शुरू हो जाएगी, उसमें ढेर सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि दीप्ति मैम जो है ना वो क्या करते हैं कि बीच बीच में ना वास्तु टिप्स देते रहते हैं, रिचुअल सिखाते रहते हैं, रेमेडीज देते रहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। ओके बड़े मैम, आगे एक और टॉपिक बचा है और फिर हमको कंसल्टेंसी भी करनी है, कर ले। यस मैम। तो नेक्स्ट वन वाला जो है ये है हमारा रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या कपल रिलेशनशिप है, ठीक है। नौबतें अगर डिवोर्स तक भी आ रही है तो मैंने ये यूज करके मेरे क्लाइंट्स के डिवोर्स रुकवाए हैं, तो इस पे मुझे बहुत बहुत ज्यादा विश्वास है। इटालियन फोकशार रहेगा, ट्रेंच दुराई हिबल हिबल जू, ट्रेंच दुराई हिबल हिबल जू। अब आप देखोगे टी का ट बन गया, ठीक है, टी का ट बन गया। इसीलिए ये डिटेल में जानना जरूरी है कि त कब आएगा और ट कब आएगा। आप चैंट करेंगे ट्रेंच दुराई हिबल हिबल जून। इसी के साथ जो स्विच फ्रेज रहेगा वो रहेगा डिवाइन ब्लेस शाइन दी, डिवाइन ब्लेस शाइन दी, डिवाइन ब्लेस शाइन है। क्लियर है यहां तक सभी को? यस मैम। वेरी गुड। तो एक्शन टेकर्स, लाइफ में मैजिक स्टार्ट कीजिए, एनरोल एंड चेंज योर लाइफ, राइट। अब एक बार देख लेते हैं कंसिस्टेंसी के लिए कंसिस्टेंटली किसके कैमरास ऑन है। जिनको भी क्वेश्चंस है अपने हैंड रेस कर दीजिए। राजा सर, हेलो, गुड इवनिंग मैम. हेलो सर। हेलो, इट्स वेरी नाइस टू अटेंड योर वेबिनार. मैम, वुड यू बी काइंड एनफ टू लेट मी नो एज यू मेंशन हाउ टू चार्ज क्रिस्टल्स. वो हम बताते हैं रेमेडीज। इसके सिवा अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तब बताइए। इट्स अ फ्री कंसल्टेशन, यू आर इन मतलब आप लकी में सिलेक्ट हुए हो, ठीक है, क्योंकि ओके आपने कैमरा ऑन रखा था। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तब बताइए। कैसे क्रिस्टल्स मैम को चार्ज करना है वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। मैम एनी स्विच वर्ड, वेदर इट्स इटालियन और इंग्लिश, आफ्टर चैंटिंग 51 और 28 एज यू हैव मेंशन, आफ्टर चैंटिंग वो स्विच वर्ड को पानी में फूक करके पी सकते हैं क्या? यस मैम, यस सर। कौन वो उसे वाटर टेक्निक बोलते हैं, वाटर थेरेपी कहते हैं। तो सा? आप वैसे ओके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप वाटर थेरेपी नहीं कर रहे हो तभी भी आप आते जाते कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू ओके वेरी ओके, मच, थैंक यू. थैंक यू। अभी फैमिली मेंबर्स क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, आज है पूनम। देखो आप ना दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपके वहां पर, आपको कहीं पर भी मून अगर जहां पर भी दिख रहा है, जहां पर चंद्र की माँ की रोशनी पड़ रही है, वहां पर आपको अपने क्रिस्टल्स को रखना है। कैसे रखना है? आपको एक बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा धूप या आपके पास सेज पत्ते होंगे वो डाल दीजिए, उससे आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली भी किसी ग्लास के बर्तन में रख सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल्स को वहां पर आपको डायरेक्टली जहां पर भी मून की रोशनी पड़ती है वहां पर रखना। पर ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं कि पूरी रात रखे रखते हैं, मतलब रखे रहने देते हैं कि इसके ऊपर और भी रोशनी पड़ जाए और हमारा क्रिस्टल अच्छे से चार्ज होते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको क्रिस्टल्स को ना रात को, मतलब ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो 3-4 बजे, उससे पहले पहले ले लेना है। तो अभी आप अपने क्रिस्टल्स को रख सकते हो, और जैसे ही रात के 1-2 बजते हैं आप जैसे ही सोने के लिए जाते हो उससे पहले पहले आप ले लीजिए। पूरी रात उसे नहीं रखना है। अगर उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ जाती है इट मीन्स के जो भी आपने मूनलाइट में चार्ज किया था ये पूरी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, मतलब कि पूरी फिनिश्ड हो जाती है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके और इसके साथ साथ आपके पास क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन्स है,
टैरो कार्ड्स है, जो भी आप हीलिंग प्रोसेस में यूज करते हो वो सारी चीजों को आप मूनलाइट में ना एनर्जाइज कर सकते हो। क्योंकि मूनलाइट में जब भी आप किसी चीज को चार्ज करते हो ना, तो होता क्या है कि इंट्यूशन लेवल आपका ना डबल हो जाता है। तो जरूर से आप अपने क्रिस्टल्स को, अपने जिमस्टोन को, टैरो कार्ड्स को, जो भी आपका जो भी मतलब जगह होगी उसके जितने भी मटेरियल्स होंगे, टम्बल्स होंगे, रो होंगे, पायराइट होगा, जिबो सिंबल होगा, जिबो कॉइन होगा, उन सभी चीजों का वहां पर रख सकते हो। हाँ जी, वुड पर रख सकते हो, बट वुड पर डायरेक्ट नहीं रखते, वुड पर आपको कोई ग्लास या कुछ भी रखना है और फिर उसमें रखना, ठीक है। चित्रा मैम, चित्रा मैम नहीं लग रहे मैम। हेलो यस चित्रा मैम, मैम, मेरे को ये पूछना था कि ये आपका कोई फिजिकल आपको बीमारी हो तो उसके लिए भी काम करेंगे? यस मैम, फिजिकल बीमारी में क्या एग्जैक्टली आप जानना चाह रहे हो, बताइए। मैम, देखो मेरे हमने को ना इसमें पैरों हाथ पैरों में ना बहुत सुन्नपन रहता है, थोड़ा दर्द है बैक में, और मेरे को ना एंजाइटी हो जाती है अगर कुछ भी थोड़ा होता है, रात को नींद भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए पूछना था। आपको एंग्जाइटी वाला बताऊं मैं पहले? देखो हाँ, एंजाइटी वाला, और थोड़ा ऐसे लगता है कि कुछ हो जाएगा, नस फट जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ, इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि मेरे हस्बैंड कभी स्ट्रोक आया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई, तो मेरे को ये डर लगा रहता है। एंग्जाइटी का अगर आप बोल रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आपने आपको ये अमावस या पूनम के आसपास ज्यादा होता है क्या? हाँ, अभी ये पूनम के ऊपर ज्यादा ही हो रहा है, मतलब ये एक्चुअल में मेरा चंद्रमा भी वो है, थोड़ा वीक ही है। नो प्रॉब्लम। आप क्या करो ना, आप सुक्लेसस ग्लोइस, सुक्लेसस मैं आपको चैट बॉक्स में, सुंकलोई तो मैं बोलती हूँ मैम। सुक्लोय नहीं मैम, सुक्लेसस ग्लोइस बोल रही हूँ मैं, ओके, आप लिख दीजिए जरा। सुक्लेसस ग्लोइस बोल रही हूँ। आप ये वाला करो, ठीक है, सुक्लेस, सुक्लेसस ग्लोइस, ठीक है। मैम एक बार वापस लिखिए। हाँ, मैंने ना इसमें लिखा हुआ चैट बॉक्स में मिला आपको, हाँ मैम, मिल गया। सुक्लेसस ग्लोइस। तो ये बार करना बोल है के इस बताइए मुझे, एक बारी बोल के बताइए पहले। सुक्लेस ग्लोयस, नहीं, तो सुक्लेसस ग्लोइस, सुक्लेसेस ग्लोयस ग्लोइस ग्लोइस बोलिए, ग्लोइस। ग्लोयस, हाँ ओके, फिर बोलिए। सुक्लेसेस ग्लोयस। यस परफेक्ट, इसी तरह आपने चैंट करना है। और इंटेंशन पहले तो ये देनी है कि मेरी माइंड बहुत शांत हो रही है, मेरी सारी एंजाइटी चली गई है, ठीक है। आप ओके, इसको, इसका वाटर थेरेपी भी खुद पे कर सकते हो, ये अच्छा, बोलिए, साइड में हाथ में पानी का ग्लास लेके बैठिए, ये हाँ बोलने के बाद पानी के ऊपर फूंक मार दीजिए और वो पानी पी लीजिए। अच्छा मैम, मेरे क्लास ज्वाइन करी तो इसमें आप जैसे हिंदी के 100 वर्ड्स थे, वैसे ही है इसके भी सारे वर्ड्स इंग्लिश के? इंग्लिश देखो जो फोक शायर्स है ना वो 90+ है, और अच्छा, इंग्लिश स्विच वर्ड जो है वो 100+ है। देखो मैंने हिंदी के भी स्विच वर्ड करिए हैं, तो ये भी उनसे अलग है ये तो। खैर, ये तो तो ये वैसे ही काम अलग है करेंगे जैसे वो करते हैं, क्या मैम? जैसे हिंदी के वर्ड्स काम करते हैं वैसे ये भी काम यस करेंगे? यस मैम, यस और बेशक इनका रिजल्ट कितने दिन में मिलता है मैम? मैम, 21 दिन तक टाइम जाता है आपके ऑरा में ये जेल होने के लिए। अच्छा, ठीक है मैम। कि लॉजिक लॉजिक अगर साइंटिफिक लॉजिक बताओ तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन हाँ है वो सही आने में, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज, वो प्रैक्टिस होने में टाइम लगता है। लोगों को 3 दिन में भी रिजल्ट आए हैं, बट मैं टू बी ऑन अ सेफर साइड 21 दिन बोल के रखती हूँ। ओके ओके, थैंक ओके यू थैंक मैम, थैंक यू। यू। चलिए जी मैम, ओके फैमिली मेंबर्स, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं। जितने भी लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग हमें मैसेज कर सकते हैं।
ओके, ताकि हम उन्हीं लोगों को ऐड ऑन कर सके। अच्छा, ये ऐसे कितने लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, और आज नहीं पर कल ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि उससे क्या होगा कि हम अगर आपका यहाँ पर हमारी टीम अगर आपका नेम नोट डाउन कर लेगी तो कल आपको एनर्जी सर्कल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, चाहते हैं कि नहीं आज नहीं कल हम श्योरली ज्वाइन कर लेंगे, वो लोग भी अपना नाम फटाफट से चैट में लिख के बता दीजिए, ताकि आपका एनर्जी सर्कल जो है वो आपके ये मतलब ऑफर में आपको मिल जाए। सेलनेट टावर चार्ज नहीं करना, ये खुद ही एक चार्जिंग है। सुमन जी ने कह दिया मैं, फीस क्या है मैम? फीस है 999। बलजीत कौर मैम ने कह दिया यस यस। कांतिलाल सर नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते समझते सर पहचाना मुझे? अच्छा जी सर। नहीं, क्या है, मेरे मिसेस को चलने में तकलीफ होती है, उसका एज 77 है और डॉक्टर लोगों ने कहा उसका स्पाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक पड़ेगा, अभी तो एज के मुताबिक नहीं कर सकते कुछ भी, तो क्या इसके लिए कोई चांट के लिए कोई स्विच वर्ड्स दे सकते हैं उसको कि उससे वो चल सकती है ठीक तरीके से? अभी क्या है, उसको पकड़ पकड़ कर चलना पड़ता है, कोई आधार लेना पड़ता है, फिर भी वो सब घर में सब काम करती है, लेकिन बहुत स्लो हो गई है इस वजह से। पेन भी होता है उनको चलने में? अब पेन पेन होता है लेकिन ओके सर, चल ही नहीं सकती, वो बहुत मुश्किल से चलती है वो, एक लेकिन ना करती है जितना से कॉम्बिनेशन करती है। कीजिए, कॉम्बिनेशन कीजिए आप। एक तो इटालियन फोक वर्ड का, इटालियन फोक शायर का वजेरो, वजेरो थोड़ा स्पेलिंग वजेरो मैं डाल देती हूँ, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। कितना, 51 टाइम्स करना है? अच्छा यस सर, 51 टाइम्स करना है। रश्मि मैम ने कह दिया यस। ओके, तो ऐसे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जो कल जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट से अपने नाम बुक्स करवा दीजिए, ताकि एटलीस्ट एनर्जी सर्कल आप लोगों को मिल जाए। ओके मैडम, थैंक यू। ओके सर, उसके साथ ना उनको अश्विना भी चैंट करवाइए। अश्विना अश्विना भी ये तो ठीक है, अश्विना भी यूनिवर्सल करेंगे। है जी। ओके 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 ओके, चित्रा मैम है यस मैम। यस अशोक सर, मैम, ऑलरेडी पेड, मैंने ऑलरेडी बिल्कुल सर, पेड आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में। ले। ओके, और एनर्जी सर्कल जो आप बोल रही है उसका क्या फायदा है? एनर्जी सर्कल्स जो है वो आपको चैंट नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ उसको ब्रॉडकास्ट करते हो और वो एनर्जीज आपके लिए काम करती है। ब्रॉडकास्ट करना मतलब? वो सिखाएंगे आपको क्लास में। ओके ठीक है, ओके थैंक यू, सर, बाय। थैंक यू सर। यस मैम जी, हेलो, हाँ हेलो मैम, मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम? आ रही है ना मैम? मैंने पेमेंट कर दिया है ओके मैम, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेज पा रही हूँ, तो मैं नाम भेज देती हूँ सिर्फ, चलेगा? हाँ भेजती आपको स्क्रीनशॉट तो भेजना पड़ेगा तभी मैं आपको ऐड ऑन कर हूँ, लेकिन क्या है अभी एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं नहीं भेज रही हूँ, तो बाद में क्लास होने के बाद मैं भेजूंगी। बाद में आप कल तक भेजिए, कोई इश्यू नहीं मैम। ठीक हाँ ठीक है, मैंने पेमेंट कर दिया है, वही बोलने के लिए मैंने हाथ है, ओके किया। ठीक मैम, है, ओके मैम, ठीक है, ओके। ऑलरेडी हमारी 50 अप सीट्स हो चुकी है, बहुत ही कम सीट्स बची है, तो जितने भी लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं फटाफट से बता दीजिएगा, क्योंकि अगर सीट्स फुल हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके फैमिली मेंबर्स, तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और कल हम मिलते हैं पेड क्लास में, एनर्जी एक्सचेंज ओनली 999। रश्मि जी ठीक है, आपका नाम नोट डाउन कर दिया गया है। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कोर्स कॉन्टेंट तो आप पूछ सकते हो। ओके मैम, आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करें। टाइमिंग ओके, थैंक यू फैमिली मेम्बर। टुमारो 9 o'clock। ओके मैम, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं। गुड ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। नाइट।